गाइज, आपको आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि मानव में पित्त का स्राव होता है। ये आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पेंक्रियाज, ऑप्शन नंबर बी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर डी है लीवर। इनमें से राइट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा आसान क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता दूं इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यहां से आरआरबी ग्रुप डी में 24/9/2018 को क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में 18/4/2016 को, 4/1/2021 को, 21/3/2021 को क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी जेई में 24/9/2019 को क्वेश्चन पूछा गया है, एक आरआरबी जेई में 2014 में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी के बहुत सारे एग्जामों में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। बाइल जूस जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बाइल जूस के बारे में नहीं सीखा है तो इस क्लास में मैं आपको बाइल जूस से संबंधित कॉन्सेप्ट और इसके प्रीवियस के क्वेश्चन जो जो पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। 7-8 मिनट की क्लास होने वाली है, ध्यान से समझ लेना, आगे आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा रेलवे में, ये हमारी गारंटी है। देखिए भैया, बाइल जूस हिंदी में कहा जाता है इसे पित्तरस। सबसे पहले हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये बाइल जूस है, इस बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है। भाई बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है, तो अगर इसके निर्माण के बारे में पूछे तो आंसर करके आ जाना लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि भैया ये स्टोर कहाँ होता है, यानी कि ये जमा कहाँ होता है, तो ये जमा होता है भैया गोल ब्लेडर में। गोल ब्लेडर पित्त की थैली या फिर पित्ताशय लिख सकते हो आप, पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। भाई इसका निर्माण तो लीवर में हुआ है, लेकिन ये जो स्टोर होता है ये गोल ब्लेडर यानी कि पित्ताशय या पित्त की थैली में जाकर के होता है। अब बात आती है कि ये कार्य कहाँ करता है, तो ये कार्य करता है भैया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। इतनी बात क्लियर है। फिर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिदिन इसका निर्माण कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं 700 से 800 ml पर डे इसका निर्माण हमारे शरीर में होता है। लगातार 24 घंटे इसका निर्माण हमारे शरीर में होता रहता है। इसका जो रंग होता है पित्तरस का, वो रंग होता है इसका हरा, ग्रीन कलर का होता है। और आप सभी को पता है हमारे शरीर में किसी भी चीज का जो भी रंग है वो किसी न किसी पिगमेंट के कारण होता है। जैसे कि हमारे ब्लड का रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है, वैसे इस बाइल जूस का जो रंग है वो एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है, एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है, जिसका नाम है विलीवर्डिन। इस विलीवर्डिन पिगमेंट के कारण इसका रंग हरा होता है। फिर यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान मैं आपको बता दूँ 7.5 से लेकर के 8.5 होता है। इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, इसकी प्रकृति हो जाएगी भैया क्षारीय। ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। मैं हर रोज ऐसे दो क्लास लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ में करवाने वाला हूँ। अब लास्ट एंड फाइनल बात आती है कि इस बाइल जूस का कार्य क्या है, तो ये कार्य है भैया ये वसा के पाचन में सहायक होता है। ये वसा के पाचन में सहायक होता है। ये एकमात्र ऐसा जूस है जो डायरेक्ट, जिसमें एंजाइम नहीं पाया जाता। इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये बाइल जूस जो होता है इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वह कौन सा जूस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, आपके ऑप्शन हो सकते हैं आतीय रस, जठर रस, पित्तरस और अग्नाशय रस, तो आपको राइट आंसर करके आना है बाइल जूस यानी कि पित्तरस। इस पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये स्वयं वसा के पाचन में सहायक होता है। ये वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को
जो वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को ये बाइल जूस क्या करता है, ये बाइल जूस जो होता है भैया ये छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है, छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देता है, और ये सारी प्रोसेस ही कहलाती है वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट या लिपिड्स, वसा का पायसीकरण कहा जाता है इसे, वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ना ही। बोलो तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्चुअली में वसा का पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है क्या, तो बता देना वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम कौन करता है, बाइल जूस करता है, इस सारी प्रोसेस को ही वसा का पायसीकरण कहा जाता है। तो बाइल जूस से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज तक, जो जो क्वेश्चन बने हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट में सिखा दिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि मानव में पित्त का स्राव होता है, खांसी होता है पित्त का स्राव, ऑप्शन नंबर डी लीवर से होता है। मैंने आपको अभी अभी बताया है कि बाइल जूस का निर्माण तो लीवर में होता है लेकिन ये जमा स्टोर कहाँ होता है, गोल ब्लेडर में जाकर के होता है, पित्ताशय में होता है। एक बार राजस्थान पुलिस 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है, शरीर के किस ऑर्गन में होता है, तो वहां पर बहुत सारों ने ये राइट आंसर दिया था पित्ताशय, क्योंकि पितरस और पित्ताशय सेम है। तो जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो क्या करके आएगा, वो तो भैया पितरस पित्ताशय, पितरस पित्ताशय सेम सेम है ना, पित्त पित्ताशय, तो उन्होंने पित्ताशय आंसर किया था जो कि गलत आंसर है, क्योंकि इसका निर्माण लीवर में होता है लेकिन ये स्टोर पित्ताशय में जाकर के होता है, कार्य छोटी आंत में करता है, क्या काम करता है, तो छोटी आंत में वसा के पाचन में सहायक होता है, वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने में सहायक होता है। इतनी बात क्लियर है। 700 से 800 ml प्रतिदिन इसका निर्माण होता है, हमारे शरीर में 24 घंटे इसका निर्माण हो रहा होता है, इसका रंग हरा होता है, किस वर्णक के कारण होता है, तो विलीवर्डिन पिगमेंट के कारण होता है, इसका पीएच मान 7.5 से लेकर के 8.5 होता है, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, इसकी प्रकृति हो जाएगी क्षारीय, और वो क्षारीय भी कैसी, तो दुर्बल क्षारीय, क्योंकि 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है और 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है, तो अगर आप 14 की तरफ जा रहे हो तो 14 के आसपास के मान प्रबल क्षारीय होंगे और 7 के आसपास के मान 14 की ओर भैया दुर्बल क्षारीय होंगे, तो यहाँ पर 7.5 से लेकर के 8.5 है, तो इसका मतलब यह है कि इसकी प्रकृति दुर्बल क्षारीय होगी। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, यह वसा के पाचन में सहायक होता है। तो आशा करता हूँ पित्रस से संबंधित आज के बाद में रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबीजेई में, आरपीएफ में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप में से कोई भी भाई रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबीजेई या आरपीएफ की तैयारी कर रहा है तो मैं आपको बता दूं 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज। अब तक मैं 6 चैप्टरों के कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करवा चुका जो आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबीजेई, इन सभी परीक्षाओं में जो जो क्वेश्चन लेटेस्ट आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट के साथ में करवाए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा है, डेट लिखी गई है और आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल आसान भाषा में सिखाया है, तो जाकर के आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। उस बैच का नाम है जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिए, जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच के नाम से है। फिलहाल मैं उस बैच में कंकाल तंत्र वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें भी 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 2-4 क्लास और रहेगी, उसके बाद में आपका वो चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे करके हम आपके एग्जाम के पहले आपका सारा का सारा ही भैया सिलेबस करवा देंगे। इतनी बात क्लियर है तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पितृ से संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें हैं ये आपकी कॉपी में नोट कर लीजिए, अलग से एक कॉपी बना लीजिए। हर रोज 2 क्लास आया करेगी जिसमें मैं आपको रेलवे के इंपॉर्टेंट जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है, जो बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट है, उन पर मैं आपको क्लास लेके आता रहूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से पढ़िए। कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और चैनल पर नया तो बिल्कुल भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने छोटे बड़े भाई बहनों के पास आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। ओके तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।